I think the recording has started and we can now do the problem. Okay? चले पहले मेरे साथ थोड़ा सा जिस तरह अभी तक आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं थोड़ा सा प्लीज बेयर विद मी थोड़ा सा समझें इसको मेरे साथ करें एंड देन विल टेक अप द क्वेश्चन आंसर्स. ओके चले जी ये थोड़ा सी एक्सप्लेन कर दूं. ये जो इन सब प्रॉब्लम में आपने नोट किया होगा ये इस किस्म की चीज़ें अक्सर होती मतलब नॉट ऑलवेज बट ऑलमोस्ट ऑलवेज यू हैव दीज सीलिंग्स वॉल्स प्लेट्स नट्स. याद करें नट बोल्ट के सवाल उसमें किसी ने ये नहीं गौर किया था कभी कि जी वो जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो बोल्ट तो चले चेंज ऑफ लेंथ होगा एल्यूमिनियम जो स्टीव है वो भी होगा बट नट को हमने ज्यादा घास नहीं डालते ऐसे मौका होगा नट को हम इसमें नहीं करते वो भी तो इंक्रीज करेगा लेंथ मतलब कुछ चीज़ों को तो आप रखते हो ना इनको हम रिजिड बॉडीज कहते हैं जस्ट टू मेक आर एनालिसिस सिंपल. एक्चुअली तो सारा कुछ ही करता है दुनिया में कोई बॉल ऐसी नहीं है जो रिजिड बॉल हो राइट. अगर ये क्वेश्चन हैं मैं आई जस्ट कीप ऑन रेफरिंग टू अदर प्रॉब्लम्स क्योंकि ये सब लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं. ये बड़ा मशहूर सवाल है ना हमारा कि जी डेल्टा टी आपने किया तो अब जाहिर है व्हाट हैपेंस बोथ दीज सेक्शंस टेंड टू इंक्रीज इन लेंथ लेकिन द वॉल वोंट लेट देम. ये जो वॉल्स हैं तो वॉल्स को हम रिजिड समझते हैं यानी हम कहते हैं इस पर ना टेम्परेचर का असर होता है ना ऐसे होता है कि ये वॉल डिफॉर्म बिकॉज ऑफ फोर्स हो जाता ऐसे हो जाता नहीं कुछ भी नहीं होता इसको. तो ये हमारी अजम्पशंस अपनी जगह हैं अभी भी हैं. ये रिजिड बॉडी है तो रिजिड जब मैं कहता हूँ ये भी रिजिड है तो इसमें देन इट डज नॉट डिफॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ये फोर्सेज लगेंगे ना इसमें देखिए ना ये टेंस अगर यूँ टेंशन जाएगी तो ये एक टेंडेंसी है ना ऐसे हो जाएगा ये नहीं होता. याद करें हेंस द यूज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड एवरीथिंग. अब वो उसकी बेसिक वजह ये है कि Why we can use similar triangle? Because ये guarantee है कि वो जो rod है या beam है वो straight रहे उसने deform नहीं होना ठीक है ना. तो इस केस में भी ये बातें एक तो रहेंगी ठीक है ना ये बातें में रखिएगा. दूसरी बात यहाँ पे जो question है थोड़ा सा slightly different as compared to other questions is कोई मुश्किल बात नहीं है सिर्फ वो एक number का फर्क है. वो क्या है कि center rod CD of assembly is heated from T1 30 degree this one CD जो है 30 degree पे start किया हमने उस वक्त ये सिचुएशन है कि 0.7 का इसमें गैप है एंड इट इज इंक्रीज टू 180 डिग्री यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा वो है 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड. जबकि द टू रॉड ए बी एंड ई एफ ये जो दूसरे रॉड ये सिमेट्रिक रॉड हैं दोनों एक जैसे एक ही मटेरियल स्टील एक ही डायमीटर मतलब एग्जैक्टली सेम दीज रे आर रेज फ्रॉम द सेम 30 डिग्री 30 डिग्री वो भी था ये भी 30 डिग्री बट दीज आर रेज्ड अप टू ओनली 50. तो जाहिर है यहाँ डेल्टा टी जो है वो 50 माइनस 30 यानी कि 20 मतलब इतने से बस इसमें चालाकी कह लें जो भी कह रहे हैं. इससे पहले आपके सवालों में क्या था या तो थ्रू आउट द सिस्टम डेल्टा टी सेम था यानी मैं इस पूरे के पूरे असेंबली के लिए डेल्टा टी एक सेम रखूँ या तो इस तरह के सवाल आपने किए थे अभी तक या एक सवाल हमने वो भी किया था जिसमें पाइप में पानी गुजर रहा था या गैस थी जिसमें एक लीनियर वेरिएशन थी. जाहिर है वो तो खैर चीज़ ही और है ना वो तो आप यू कैन नॉट डू इट बाय समेशन इन दैट सेंस वो तो आप करते हो इंटीग्रेट करके एक एक्सप्रेशन लिखते हो यू टेक अ स्मॉल चंक डी एक्स चेंज इन लेंथ ऑफ डी एक्स दैट इज कॉल्ड डी डेल्टा और फिर डी डेल्टा को जो चीज़ है उसको जब आपने टोटल लेना है ओवर द लेंथ तो जाहिर है यू इंटीग्रेटेड ओवर द होल लेंथ. वो आपको पता है वो दो कैटेगरीज आप देख चुके हैं ना. दिस इज अ थर्ड कैटेगरी जो पहली कैटेगरी ही है सिर्फ इतना ख्याल रखना है आपने कि जब आपने वो इक्वेशन लगानी है तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपने ध्यान से मतलब जहाँ 20 डिग्री का डेल्टा टी डालना है वहाँ 20 का डालना है जहाँ 150 का डालना है इतनी सी बात और कोई इसमें कोई कंसेप्चुअल मसला नहीं है. अच्छा अब फिजिकली क्या ऐसे हो सकता है यस हो सकता है. आपका ये सिस्टम ये जो इंपॉर्टेंस 30 डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं थोड़ी सी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं है. ये कुछ चीज़ें जैसे मैंने रिजिड बॉडी की बात की ये इससे पहले के तमाम रिजिड ये स्टैटिकली डिटरमाइंड प्रॉब्लम्स पे ये बात वैलिड थी. ये मैं आखिरी सवाल है चुके इस पे मैं ये सब चीज़ें एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस ये बातें सिर्फ इस सवाल की नहीं है. ओके दी आर वैलिड टू ऑलमोस्ट ऑल अदर क्वेश्चन. अच्छा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसका ताल्लुक है 0.7 मिलीमीटर. देखें हमें पता है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर लेट्स से 30 की बजाय कुछ और होता
तो जाहिर है फिर ये डेल्टा टी, ये जो 0.7 का गैप है, ये ना होता कुछ और होता। आपको पता ना कि हर टेम्परेचर पे ये एल्युमिनियम है सी डी, ना दिस विल हैव अ डिफरेंट लेंथ एट ईच टेम्परेचर, ये आपको पता है। तो ये जो 0.7 का जो फर्क आया ना, ये तो स्टील वाले रॉड तो पूरे पूरे हैं, फिक्स हैं, उनमें तो कोई गैप नहीं है ऑब्वियसली। सोलेनोइड जिस तरह इलेक्ट्रिकल हीटिंग, आपको पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग होती है कि आप तार के अंदर से करंट गुजारते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस होती है दैट हीट्स अप द होल थिंग, ठीक है ना। तो ये जो बिजली के जो हीटर होते हैं, जो बड़ी क्रूड फॉर्म, वो भी तकरीबन इसी किस्म की चीज होती है, ठीक है ना। तो फॉर सम रीजन यू आर हीटिंग दिस एल्यूमिनियम फॉर टू अ हायर डिग्री, 150-180 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उस पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगाई हुई है। जहाँ तक बात है इसकी स्टील रॉड्स की, दोनों इनमें कोई ऐसी चूंकि रेजिस्टेंस नहीं लगी, तो इसका टेम्परेचर वहाँ तक नहीं जाता, बट किसी और रीजन से इसका टेम्परेचर 50 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बस एक इतनी सी टेक्निकल सब पॉइंट है, बाकी तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही करना है। इंपॉर्टेंट थिंग अदर वन, रॉड्स ए बी एंड ई आर मेड ऑफ स्टील, ये दोनों रॉड्स एक जैसे हैं, ईच हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 125 स्क्वायर मिलीमीटर, इन दोनों के 125 स्क्वायर मिलीमीटर एरियाज हैं, जबकि ये जो एल्युमिनियम वाला है इसका 375 स्क्वायर मिलीमीटर। अच्छा, अब रह गई बात मटेरियल कॉन्स्टेंट्स की। तो स्टील का तो 200 जीपी आपको पता है, ये तो कोई ना बताए या बताए आपको पता होना चाहिए। नाउ आई एम इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो, एल्यूमिनियम का भी आपको पता होना चाहिए 70 जीपीए। दो तीन चार मटेरियल्स हैं आपके पास, ब्रास है, कॉपर है। लास्ट लेक्चर आई आस्क यू टू रेफर टू लास्ट चैप्टर, जहाँ पे आपको कॉपर और ये जो ब्रासेस हैं इनके भी, अब मैं आपको ये नहीं बताऊँगा किसका 100 है और किसका 120 के करीब है, बट यू प्लीज लुक दैट अप। ये चार तीन चार मटेरियल हैं, इनकी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए असल ऑपरेटिव पार्ट। देर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम अपेरेंटली, ये देखिए ना इसमें फोर्स क्या होती है, जैसे ये है, ये फोर्स लग रही है। अब ये अगर फोर्स ना हो तो ऑल दैट द फोर्स, ऑल द फोर्स जनरेटेड इज बिकॉज ऑफ डेल्टा टी। और याद रखिएगा इस तरह के सवाल में, इस डेल्टा टी बढ़ा दें इसमें कोई फोर्स जनरेट नहीं होती, बिकॉज इट विल जस्ट इंक्रीज इन लेंथ, दैट्स इट, स्ट्रेन आ जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं इसको। अब फोर्स कब आती है, जब यू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। ये मैं अगेन एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑन दिस वन, सो थोड़ी देर के लिए, और ये सिर्फ इस सवाल, अगेन इस सवाल की बात नहीं कर रहा, हर सवाल की बात कर रहा, थोड़ी देर के लिए ऑल ऑफ यू प्लीज कंसिडर दैट दिस थिंग इज नॉट देयर, ये है ही नहीं। अगर ये ना हो तो यू अग्री कि इसका कोई लिंक नहीं है आपस में, इन स्टील रॉड्स का और एल्युमिनियम रॉड का कोई आपस में लिंक, ये लिंक किससे हुए हैं, इसकी वजह से हुए हैं, अभी समझाता हूँ कैसे। ये बात टेक्निकली ठीक है कि इफ आई रिमूव दिस लोड, दिस बार, देन ये पिन जॉइंटेड जो स्टील रॉड्स हैं ये गिर जाएंगे, पिन जॉइंटेड है ना, ऐसे गिर जाएंगे, वो एक डिफिकल्टी अपनी जगह है, लेकिन आई कैन ईजीली मेक द सिस्टम लाइक दिस। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम खड़ा कर देते हैं, यहाँ मैं पिन जॉइंटेड बार नहीं बनाता, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ बोल्ट्स के साथ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, फ्लैंज के साथ बोल्ट अब तो नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं डेल्टा टी बढ़ाता हूँ, व्हाट हैपेंस, प्लीज टेक अ लुक एट दिस, दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज। एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज बिगर देन स्टील, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इफ दिस इज रिवर्स, जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इमेजिन दैट स्टील वॉज इन साइड, ये वाला स्टील होता, ये वाला और ये वाला एल्यूमिनियम होता, थोड़ी देर ले जो कि नहीं है, देन इट्स अ यूजलेस थिंग, यानी ये क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। क्यों? टेम्परेचर डेल्टा टी, और अभी थोड़ी देर के लिए मान लें कि डेल्टा टी भी सेम है, अभी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि एक का डेल्टा टी ज़्यादा है, एक का कम है, तो वो भी एक इशू है, बट थोड़ी देर के लिए मानें कि डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं आप, तो स्टील विल इंक्रीज इन लेंथ, एल्यूमिनियम विल इंक्रीज इन लेंथ, बट द इंक्रीज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम वुड बी हायर, राइट। तो इसका मतलब है कि ये ए बी और सी ई एफ रॉड जो हैं ये और बड़े हो जाएंगे, सी डी रॉड भी थोड़ा सा बड़ा होगा बट इतना नहीं बड़ा होगा, तो इसका मतलब गैप तो मजीद बढ़ जाएगा,
यू अंडरस्टैंड दिस, तो गैप बढ़ जाएगा तो फिर तो कहीं पे कोई स्ट्रेस है ही नहीं, आपस में लिंक बनाई नहीं ना। ये जो वॉल रोल प्ले कर रही थी, ये वाली जो वॉल रोल प्ले कर रही है, ये क्या कर रही है, इट डज नॉट अलाउ दीज टू इंक्रीज इन लेंथ, राइट। इससे तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम बना, ठीक है। तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम कैसे बनता है, जब आप लिंक करते हैं दो चीजों, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहां वापस आ जाए, ये एल्यूमिनियम है, ये स्टील है, अगर ये ऊपर रॉड ना हो, ये ब्राउन से कलर का जो रॉड है, तो दिस स्टील विल समवॉट इंक्रीज इन लेंथ, यस, एंड दिस एल्यूमिनियम विल ऑल्सो इंक्रीज मोर, विल हैव अ मोर इंक्रीज इन लेंथ। इसका तो टेम्परेचर भी ज्यादा है डेल्टा टी, और इसका कोफिशियंट भी ज्यादा है, बट आपस में एक दूसरे को छेड़ते नहीं है, यह बढ़ जाएगा अपनी जगह, यह अपनी जगह बढ़ जाएगा, दोनों में एक स्ट्रेन आ जाएगा, दैट्स इट, कोई इशू नहीं, कोई फोर्स किसी के साथ कोई लिंक नहीं। इसकी मैं अगर आपको लास्ट टाइम की मैं एनालॉजीज आर डेंजरस, बट इफ यू ओनली कन्फाइन योरसेल्फ टू दैट कॉन्टेक्स्ट, तो एनालॉजीज ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एक बंदा बहुत तेज भागता है, एक बंदा बहुत स्लो भागता है, इन दोनों को आप इनकी टांगे आपस में टाई अप किए बगैर इनको भगा दें, किसी पे कोई स्ट्रेन नहीं होगा। एक जो तेज भागता है वो तेज भाग जाएगा, जो स्लो भागता है वो स्लो भागता रहेगा। यानी कि तेज वाले को ये शिकायत नहीं है कि मुझे भागने नहीं दे रहा है, मुझे स्लो कर रहा है। स्लो वाले को ये शिकायत नहीं है कि मैं तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे भागता हूँ, ये मुझे तेज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी आपने टांगे नहीं बांधी हुई। नाउ कंसिडर द रियल थिंग, ये आ गया बीच में, एक्चुअली दिस वॉज ऑलवेज देयर। होगा क्या, एल्यूमिनियम बढ़ना चाहता है, एक खास पॉइंट पे जाके एल्यूमिनियम टच कर जाएगा, जब 0.7 मिलीमीटर, अगर उससे ज्यादा डिफॉर्मेशन एल्यूमिनियम में आ गई, मतलब एक तो एल्यूमिनियम 0.7 मिलीमीटर इंक्रीज करेगा लेंथ में, एक दूसरा जाहिर है स्टील भी उतनी देर में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टील का चूंकि इंक्रीज डेल्टा टी भी कम है और उसका कोफिशियंट भी कम है, तो सून एल्यूमिनियम विल कैच अप। एक पॉइंट आएगा ना जब ये टच कर जाएगा, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एल्यूमिनियम एक्चुअली विल बी इन कंप्रेशन, स्टील विल बी इन टेंशन। ये है सारी गेम, ये अब आपने टांगे बांध दी हैं दो बंदों की। अब एक एल्यूमिनियम अपनी जगह बहुत ज्यादा मूव करना चाहता है, लेकिन उसको उतना मूव करने नहीं देगा स्टील, उससे थोड़ा सा कम करवाएगा। स्टील एक खास मोशन था उसका रिक्वायर्ड था, एक खास डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी बिकॉज ऑफ डेल्टा टी। एल्यूमिनियम विल मेक श्योर के यानी उससे ज्यादा हो, यानी एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होगी ना, एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, ना स्टील की ना वो स्लो वाले की पेस पे भागा जाएगा, ना फास्ट वाले की पेस पे भागा, एक मिडवे एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। अब इसको एक फाइनली बस एक वर्ड इसको हम सॉल्व करता हूं। इसमें बेसिकली हम जब कंपैटिबिलिटी लगाएंगे ना, तो जो लोग ये वंडर कर रहे हैं कि एक सुपरपोजिशन मेथड होता है, एक सिंपल मेथड होता है, ठीक है ना, तो इसमें एक बात तो हमें पता है, वो ये है कि चेंज इन लेंथ इन स्टील, ये मैं जनरल कंपैटिबिलिटी लगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा सुपरपोजिशन, जनरल मेथड आपको पता है क्या है, जनरल मेथड होता है इसमें आप सब चीजें कंसिडर करते, पूरी बॉडी को, ये नहीं आप कहते हैं कि इस वक्त ये है और ये नहीं है, और पहले मैं टेम्परेचर देखूंगा फिर मैं फोर्स, वो अलग अलग करके नहीं करते, ये जनरल जो हमारा मेथड। अगर ये 0.7 ना होता, थोड़ी देर में मान लें ये स्टार्ट से ही टच कर रहा होता, तो कंपेटेबिलिटी ये थी कि वॉट एवर द चेंज इन स्टील इज ऑल्सो द चेंज इन एल्यूमिनियम। ये हमें पता है कि अकेला स्टील एक खास इंफॉर्मेशन करता अपनी जगह, अकेला एल्यूमिनियम उससे कहीं ज्यादा करता, ये तो बात ठीक है। जब आपने लिंक कर दिया दोनों, तो अब ये दोनों बराबर, जितना स्टील इंक्रीज होगा या मतलब उतना ही एल्यूमिनियम भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जाहिर है इसमें 0.7 है, तो स्टील ये बेसिकली आपकी इक्वेशन है, वो तो वो गैप हो या ना हो उससे आपको पता है कि गैप कहां पर आता है, ठीक है ना। ये आपकी जनरल इक्वेशन है ऑफ कंपैटिबिलिटी, इसमें मैंने कोई सुपरपोजिशन कुछ नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना, ठीक हो गए। अच्छा, अब ये एक किस्म का हाइब्रिड क्वेश्चन क्यों है, ये इस तरह के सारे सवाल तकरीबन हाइब्रिड ही होते हैं, वो नट वाला भी आप याद कीजिएगा, जिसमें हमने कहा था ना कि नट आपने सवाल आपने किया था उसमें कि जी वो डेल्टा टी इंक्रीज होगा, अच्छा जब होगा तो लेकिन एक फोर्स भी जनरेट होगी, ठीक है ना, ये सर मैं भी करता हूँ। इसके अगला जो पार्ट है वो आएगा सुपरपोजिशन, वो कैसे, व्हाट इज डेल्टा स्टील, डेल्टा स्टील हैज टू पार्ट्स नाउ, एक डेल्टा स्टील, अब यहाँ मैं अब सुपरपोजिशन लगा रहा हूँ, यानी ये हाइब्रिड मेथड है, क्यों, एक है स्टील का
जो थर्मल, ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप इसको कट करते हैं, ये जो भी मैंने सवाल आपको बनाया, जब कट किया, यहाँ पे टेंशन आ रही है, यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फोर्सेस भी तो लग रही हैं, फोर्स स्टील, फोर्स एल्यूमिनियम, फोर्स स्टील। तो दो हिस्सों में हुआ ना, एक डेल्टा टी की वजह से हुआ था, वो तो आपने अल्फा डेल्टा किया, फिर उसमें एक और ऐड किया आपने बिकॉज ऑफ फोर्स स्टील। तो ये सुपर पोजिशन है बेसिकली, ये डेल्टा स्टील इज इक्वल टू दिस। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, स्क्रीन मेरे हिसाब से तो विजिबल है, मैं एक बार फिर बाकी लोग बताइए विजिबल है कि नहीं। जी सर विजिबल है। अच्छा, आप कौन साहब हैं जिनको विजिबल नहीं है, प्लीज बताइए। सर मैं रिकनेक्ट कर लेती फिर। अच्छा, आप रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। शुड आई वेट फॉर वन मिनट और सो? नो सर, नो वरीज, आई विल डू इट। ओके ओके ओके, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये दो चीज़ें हो रही हैं, इधर दो चीज़ें चल रही हैं। एक यानी यहाँ, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, अगेन बार बार बता रहा हूँ, दिस इज द लास्ट। ये एक स्टील को थोड़ी देर, यानी एक तो ये जनरल को, ये ना इसका तो ताल्लुक है ओवरऑल सिस्टम के साथ, इसमें तो ये कट कट करने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि अल्टीमेटली जितना डिफॉर्मेशन स्टील में होनी है, अल्टीमेटली उसका एक खास रिलेशनशिप है जो एल्यूमिनियम में डिफॉर्मेशन, फाइनल डिफॉर्मेशन एल्यूमिनियम की स्टील की, अगर ये गैप ना होता तो फिर तो बराबर होती, गैप चुके हैं तो जाहिर है थोड़ा सा ये 0.7 का डिफरेंशियल है, बट दैट इज जनरल पिक्चर, राइट। अब जरा स्टील की अगर मैं डिफॉर्मेशन की बात करूँ खाली, इसको जरा कंसीडर करें, पहले आप यहाँ पे सुपर पोजिशन लगा रहा हूँ, डेल्टा टी लगाया, थोड़ा सा बड़ा। सर एक चीज समझ नहीं आ रही है, 0.7 स्टील के साथ ऐड हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ नहीं ऐड होगा। जरा गौर कीजिए कि ये बड़ी कॉमन कंफ्यूजन है, थोड़ा सा गौर करने पता चल जाएगा कि स्टील के साथ ही ऐड होना चाहिए। जरा गौर कीजिए जरा, अच्छा एल्यूमिनियम के साथ क्यों ऐड होगा? सर वैसे क्योंकि पहले तो हम कह रहे ना कि दोनों बराबर जो है वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेंड वगैरह हो रहे हैं, तो लेकिन अब एक्चुअली क्या है कि एल्यूमिनियम थोड़ा नीचे है, तो एल्यूमिनियम को 0.7 कवर करने के बाद यानी वो टच करेगा तो बराबर हो जाएंगे। यस, हां बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जी। यानी कि स्टील में आपको 0.7 ऐड करना पड़ेगा ना, तब बराबर होंगे। देखें ये एक मिनट, अगर ये थोड़ी देर पे मान लें कि गैप ना होता तो ये तो फिर ठीक है ना, ये वाली कोई इसमें तो कोई मसला नहीं है फिर, अगर गैप ना होता, ठीक है जी। अब गैप आ गया, ठीक हो गया। अच्छा गैप आ गया तो इसका मतलब है कि एक खास पॉइंट के बाद जब टच हो जाएगा, एक खास पॉइंट के बाद जब टच हो जाएगा, यानी वो कब टच होगा ये हमें नहीं पता, इन केस टच हो जाए, ये भी हो सकता है सवाल में कि आप टेम्परेचर रेज करें, इस तरह के मैं टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है ना, स्टील भी इंक्रीज तो कर रहा है ना एट अ स्लोअर रेट, बट कर तो रहा है, ठीक है ना। तो एक खास मैं ऐसा टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ कि ये गैप कभी ख़त्म ही ना हो, यानी इवन एट द फाइनल स्टेज 0.7 के बजाय 0.2 रह जाए, 0.1 रह जाए, लेकिन मान लेते हैं कि आपने इतने टेम्परेचर रखे हैं कि वो टच कर जाता है, ठीक है ना। तो स्टील में तो ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगी ना फिर, यानी स्टील में डिफॉर्मेशन कम आएगी ना बेसिक, यानी आप इसको इस तरह, मैं समझ गया आपका कन्फ्यूजन का मसला क्या है, एल्यूमिनियम को ज़्यादा डिफॉर्म होना चाहिए ना। हाँ जी, एल्यूमिनियम एक खास पॉइंट तक टच करेगा वो, प्लस फिर उसके बाद स्टील भी होना शुरू हो जाएगा। यानी इसको आप इस तरह देखें कि जब तक ये 0.7 खत्म नहीं होता गैप, तब तक स्टील को असर नहीं होता, इसको इस तरह देखें, ठीक है, एक बार फिर सोचें इस पे, जब तक 0.7 का गैप खत्म नहीं होता तब तक स्टील को तो कोई असर नहीं होगा, मतलब वो टेम्परेचर का इफेक्ट तो है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट
उसके बाद इनके बराबर है, राइट? यानी 0.7 जब ये पूरा हो जाएगा, दिस विल गैप विल बी कंप्लीटली फिल्ड, उसके बाद ये दोनों, फिर ये सिचुएशन है। यहाँ तक इतना ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई मसला नहीं है जी। उसके बाद टच होने के बाद जितना स्टील ने रिफॉर्म करना है उतना एल्युमिनियम ने करना है, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, अगर यहाँ तक ठीक है तो इसका मतलब है कि उसके बाद जितनी डिफॉर्मेशन होगी वो बराबर होगी, तो टोटल तो एल्युमिनियम की ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगी ना, यानी इन टोटल तो एल्युमिनियम ज्यादा रिफॉर्म होगा ना। आपने जिस तरह बात शुरू की थी, एल्युमिनियम ज्यादा रिफॉर्म होता है स्टील से, ठीक है ना? हाँ जी। तो जब एक चीज ज्यादा होती है तो फिर आप उनको बराबर रखने, फिर आप, इसका मतलब है कि स्टील की डिफॉर्मेशन में आप वो 0.7 ऐड करेंगे तो बराबर बनेगा ना, वरना तो ठीक, क्लियर है ना बात? यानी आप खुद कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन डिफॉर्मेशन इन स्टील, ये आपने कहा है, यहां से बात शुरू हुई थी, है ना? हाँ जी जी। तो अच्छा, तो आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 जो है वो 7 से ज्यादा होता है, है ना? तो फिर मैं सात में 3 ऐड करूंगा तो 10 के बराबर होगा ना। ये 10 है, ये 7 है, इनमें डिफरेंशियल 3 का है, तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 7 + 3, यानी जो कम होता है उसमें आप वो चीज डिफरेंस ऐड करते हैं ना, फिर बराबर होता है ना। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, अंडरस्टैंड जी जी। इस तरह से, वरना आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो कभी कभी बंदा इस तरह थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उस तरह करेंगे तो वो डबल काम हो जाएगा वो, फिर यानी आप एक चीज को ज्यादा उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके अंदर हम ये मतलब अगर सोचें कि स्टील के ऊपर जो ये रिजिड बॉडी पड़ी हुई, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, ये बात ठीक है? वो स्टील एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। नहीं, देखिए इसको दो हिस्सों में रखें। अच्छा, पहली बात तो ये स्टील एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा यहाँ पर, जबकि उसके ऊपर बॉडी पड़ी हुई है? नहीं, बॉडी का कोई ताल्लुक नहीं इसका, स्टील तो अगर थोड़ी देर के लिए मान, देखिए बॉडी का हम तो वेट कंसिडर कर नहीं रहे, इस बॉडी का या तो वेट कंसिडर कर रहे हो ना, फिर तो आप यहाँ एक चीज पुश कर रहे हो, नहीं ये बॉडी तो वेटलेस है, ठीक है? अब आप ये थोड़ी देर के लिए एल्यूमिनियम को भूल जाएंगे, सी डी को, जस्ट फॉर अ मोमेंट फॉरगेट अबाउट इट, ओके? डेल्टा टी बढ़ाएं, एल्यूमिनियम स्टील फिर भी इंक्रीज करेगा। डेल्टा टी के हिसाब से स्टील में लेंथ चेंज इन लेंथ तो आना ही आना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चेंज इन लेंथ आना ही आना है स्टील में, ठीक है? फर्क सिर्फ इतना है कि अगर इसमें एल्यूमिनियम ना हो तो बस फिर अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से चेंज इन लेंथ आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी एल, दैट्स इट, चेंज इन लेंथ स्टील आ गया, बस खत्म बात, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये रिजिड बॉडी शायद स्टील के एक्सपेंशन को रोक रही है। नहीं, ये रिजिड बॉडी ना स्टील के एक्सपेंशन को रोक रही है ना ये किसी और चीज के एक्सपेंशन, ये ज्यादा से ज्यादा जो काम कर रही है ना वो ये कर रही है कि इन दोनों को लिंक कर रही है। जब तक तो ये 0.7 का गैप खत्म नहीं होगा तब तक तो कोई लिंक भी नहीं है, यानी स्टील अपनी जगह एक्सपेंड कर रहा है, एल्यूमिनियम अपनी जगह एक्सपेंड कर रहा है, एल्यूमिनियम ज्यादा कर रहा है बिकॉज एल्यूमिनियम, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है डेल्टा टी, दूसरा एल्यूमिनियम का वो जो कोएफिशिएंट भी ज्यादा है। तो जब तक ये टच नहीं करता एल्यूमिनियम इसको, रिजिड बॉडी को, तब तक तो ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, कोई चक्कर नहीं, किसी को कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब क्या होगा, द मोमेंट दैट 0.7 गैप इज फिल्ड, लेट से टच कर गया, अब इसके बाद अब ये तंग करेगा दोनों को। अब हो ये रहा है कि एल्यूमिनियम तेज निकलना चाहता है और आगे जाना चाहता है, स्टील उतना तेजी से आगे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसकी एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम है। तो होगा ये कि ये रिजिड बॉडी मेक श्योर करेगा कि एल्यूमिनियम को पुश करे अंदर की तरफ, यानी एल्यूमिनियम चूंकि बढ़ना चाह रहा है उसको रोकेगा, स्टील चूंकि नहीं बढ़ना चाह रहा उसको खींचेगा। तो ये सेकेंड स्टेज में ये फोर्सेज भी आ जाए, पहले स्टेज में डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी हो रहा था, अब फोर्सेज भी आ गए, ठीक है ना? एंड इस पॉइंट को मैं, अगर मैं वापस अपने थ्रेड में, कि अगर ये तो एक चले, अब ये आई होप कि ये वाला इसको जरा गौर कीजिएगा, इस ये तो ठीक हो गया काम, ये तो है जनरल ओवरऑल पिक्चर। अब अगर मैं खाली डेल्टा एस टी की बात करूं, इसको मैं सुपर पोजिशन से दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक पहले स्टेज में मैं आई डोंट कंसिडर द टेंसाइल फोर्स, अब ये तो आप मानते हैं टेंसाइल क्यों आ रही है स्टील में और कंप्रेसिव क्यों आ रही है एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम और बढ़ना चाहता है, उसको रोकना, उसको एनर्जेटिक ज्यादा, उसको रोकने की कोशिश हो रही है, तो कह रहा है कंप्रेस किया जा रहा है, स्टील कम एनर्जेटिक है, थर्मली बात कर रहा हूँ, वो उतना नहीं बढ़ना चाह रहा, ठीक है? उसको खींचा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो जो रिजिड बॉडी है ना, दैट हैज टू इंश्योर कि आफ्टर दैट 0.7 मिलीमीटर इज फिल्ड, उसके बाद दोनों ने बराबर मूव, एक आगे एक पीछे नहीं जा सकता उसके, ठीक है? तो एक में टेंशन एक में प्रेशर क्यों आती है?
ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेज स्टील का डेल्टा टी, इसमें ये इंक्रीज करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज, जब ये फोर्स टेंशन लगेगी, मजीद टेंशन, क्योंकि इसमें टेंशन है ना, तो फिर ये मजीद बढ़ जाएगा, ठीक है ये। अच्छा ठीक है ना, तो इसको हम बेसिकली, ये मैंने इस तरह बताया, ठीक है। अच्छा, प्लस 0.7। अगर एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम को भी पहला स्टेज डेल्टा टी आपने बढ़ाया, इसका डेल्टा टी डिफरेंट है, तो ये ज़रा, और वैसे भी इसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, ये यहाँ हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, एल्यूमिनियम पे कंप्रेशन आ रही है, ये वाली, ठीक है ना। तो जब कंप्रेशन आ रही है तो ये माइनस साइन के साथ बेसिकली, या इधर प्लस भी रखें तो वो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा, फोर्स एलिमेंट, ये आपकी इक्वेशन बेसिकली। यानी मैं ये थोड़ी सी कसरे नफसी से इसलिए काम लिया, दराज नफसी, बल्कि कसरे नफसी नहीं, दराज नफसी थी ये, यानी कि काफी ज्यादा डिटेल में बात की, वो ये कि अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि ये वाला मेथड कौन सा है, क्योंकि हमने सादा सादा सिमुलेशन, हमने सुपरपोजिशन से भी किए हैं मेथड से, हमने सुपरपोजिशन के बगैर भी किए, बल्कि हमने दो सवाल ऐसे थे जो हमने दो दो तरीकों से किए हैं, ठीक है ना, वो बड़े क्लीन, एक में आप सुपरपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे, ठीक है। इन सवालों में मैंने आपको बताया कि ये हाइब्रिड सवाल है, इसमें आप जो पहली इक्वेशन लिखी वो तो एक जनरल इक्वेशन थी, ये तो इसमें तो देखें ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी एल्यूमिनियम नहीं है या अभी फलाना नहीं, सारा कुछ है इस पूरे सिस्टम का, एवरी डिटेल इज हेयर, बट वंस आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम एंड स्टील, तो उसको मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक थर्मल इफेक्ट में और एक इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब आप ये देखिएगा कि मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो बेसिकली इक्वेशन मेरे पास ये बनेगी, थर्मल स्टील फोर्स स्टील प्लस 0.7। अच्छा, इधर थर्मल एल्यूमिनियम फोर्स एल्यूमिनियम ये। अच्छा, अब जरा डिटेल इसमें क्या है, यहाँ मैं प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं वेक्टर एनालिसिस नहीं कर रहा ना, तो मैं हर चीज को प्लस ही, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन बाद में मुझे साइन ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये इसको अभी फॉरगेट अबाउट दिस साइंस, जरा वैल्यूज पुट करें, अल्फा डेल्टा टी, ये याद कीजिएगा, ये अल्फा डेल्टा टी एल होता है और ये जो होता है ये एफ एल ओवर ए ई होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो स्टील का 12 × 10⁻⁶, डेल्टा टी फॉर स्टील इज 20, याद की 50 − 30, ऐसी 50 − 30 था या कितना था, ऐसी यस 50 − 30, और दूसरा है 150 180, बस ये इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी, यानी किसका कौन सा है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी शायद। अल्फा डेल्टा टी और लेंथ, स्टील की लेंथ, वो हमें लेंथ तो सारी गिवन है, वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा, ये देखिए एक लेंथ है टू, स्टील की 300 है और एल्यूमिनियम की 240, ठीक है, बस बाकी बहुत सिंपल है, जो असल पॉइंट है वो मैं अभी रिकमेंड, अभी आपको मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ इसकी आ जाएगी 300, ठीक है। अच्छा, प्लस, ये प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों, क्योंकि एक तो डेल्टा टी की वजह से उसमें 10 मतलब कह रहा है इंक्रीज होना था, ये प्लस आएगा यहाँ, तो ये तो सिर्फ तब माइनस होगा, डेल्टा थर्मल डिफॉर्मेशन तो सिर्फ तब माइनस होती है जब चेंज ऑफ टेम्परेचर माइनस में हो, यानी कि मैं 30 से 10 पे जा रहा हूँ, अब कूल होगा ना, कूल होगा तो कम होगा, ठीक है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये तो प्लस ही होना है, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। अच्छा, अब रह गई बात इसकी एफ एल ओवर ए की, स्टील के केस में ये भी प्लस ही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका, ये आपने ये वो वाला क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, यू कैन नॉट अज्यूम एनी डायरेक्शन के, हमें नहीं पता फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो इक्विलिब्रियम में चल जाता, बिकॉज इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम इंश्योर होता है, यहाँ आप या इसको ऐसे समझें कि इक्विलिब्रियम आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इक्विलिब्रियम आपको इंफॉर्मेशन देता है, सो इफ यू डोंट नो अ फोर्स डायरेक्शन यू कैन ट्रस्ट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दे विल गिव यू द राइट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अगर आप गलत भी अज्यूम कर लेंगे तो वो साइन उल्टा कर देगा, ठीक है। कंपेटेबिलिटी इंफॉर्मेशन आप सिस्टम को देते हो, यू टेल द सिस्टम दैट दिस काइंड ऑफ मोशन इज देयर, सो टेक दिस इक्वेशन, इसमें आप सिस्टम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको सही वैल्यू देगा, आप उसको दे रहे हो इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो इसमें अगर आप गलत साइन
यानी उल्टा साइन दे दोगे तो वो आपको ठीक करके नहीं देगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज इट इज ऑन द टेकिंग साइड. इक्विलिब्रियम यू आर ऑन द टेकिंग साइड, ठीक है, तो देन यू कैन ट्रस्ट. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ प्लस आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि स्टील में आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एल्फा बिटवीन स्टील एंड और वो टेम्परेचर, वो स्टील टेंशन आएगी. ठीक है, तो टेंशन आएगी तो ये इसको हम एफ स्टील कह देंगे. ये तो हमें मालूम करना है. इनटू लेंथ, लेंथ ठीक है, लेंथ इसकी 300 है, ओवर ए एरिया इसका 125 है, ई इसका 200 × 10³. ठीक है, ये प्लस 0.7 ये तो आ गई. अच्छा अब आए सर एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम ये बहुत आसान है, इसका थर्मल वो तो 12 की जगह 23 × 10⁻⁶ आएगा. डेल्टा टी इसका 150 है और इसकी लेंथ 240 है. ठीक है, ये तो सिंपल. अब असल पॉइंट आया है, ये जो एफ की वजह से जो एल्यूमिनियम है ना वो माइनस साइन के साथ. क्यों? एल्यूमिनियम कंप्रेशन में. ठीक है, बट ये इसका टोटल इसका पॉइंट ये है. आगे बहुत आसान है, एफ एल्यूमिनियम टू लेंथ 240, ए एल्यूमिनियम वॉज 375, ई एल्यूमिनियम वॉज 70. ये अगर आप इसको, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई. ठीक है, दिस इज, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मतलब इसको आप एफ एस और एफ वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एफ स्टील एंड एफ एल्यूमिनियम, ये इक्वेशन आपके पास आ गई एक. ठीक है, अच्छा अब आप नोट करें, इसको हम ये भी कह सकते हैं, लेट्स कॉल इट ए बी, लेट्स कॉल दिस सी. ठीक है ना, ए बी सी बी एल्यूमिनियम सी. ठीक है, ये हो गया. तो आपके पास एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी डी, ये इक्वेशन आ गई एक. अच्छा अब टोटल आपको इक्वेशन चाहिए कितनी? वैसे तीन इक्वेशन चाहिए. क्यों? एफ ए बी रिक्वायर्ड है, एफ सी डी रिक्वायर्ड है, एफ ई एफ रिक्वायर्ड. तीन अननोन है ना आपके पास. तो एक इक्वेशन तो आ गई, बाकी तो इक्वेशन, ये तो कंपैटिबिलिटी से आ गई. अब बाकी तो इक्वेशन का क्या करें? बहुत आसान इक्वेशन बाकी दो, ये आपने देखा था, कट करें. अभी करके दिखाया था आपको. तो ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है, ये फिर स्टील है. इसमें जो फोर्स लगती है टेंशन है, इसमें कंप्रेशन है, ये भी टेंशन है. इसको हम कहेंगे ए बी, इसको हम कहेंगे सी डी, इसको हम कहेंगे ई एफ. तो पहली तो एक इक्वेशन है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वायर डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, मींस एफ ए बी प्लस एफ ई एफ माइनस एफ सी डी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू आ गई. तीन अननोन है ना, एक इक्वेशन पहले बनाई थी कंपैटिबिलिटी, दूसरी इक्वेशन भी आ गई, अब एक और चाहिए इक्वेशन. एक और इक्वेशन के दो तरीके हैं. एक तो आप मोमेंट इक्वेशन ले लें, किसी पॉइंट पर मोमेंट ले लें, इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मोमेंट ले लें. ठीक है, तो जाहिर है इस पॉइंट पे अगर मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस बराबर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मोमेंट इसका आएगा ही नहीं. तो बेसिकली एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ई एफ, ये सिमेट्री से भी नजर आ रहा है. इस सवाल को अगर आप नोट करें, चूंकि इनके डिस्टेंसेस बिल्कुल, ये बिल्कुल सेंटर पे हैं, ठीक है, बिल्कुल इनके एरियाज बराबर हैं, इनके मटेरियल बराबर हैं, लेंथ बराबर, ये बिल्कुल मिरर इमेज है ना. तो मिरर इमेज में तो आपको पता है व्हाट एवर इज हैपनिंग एट ए बी इज आल्सो हैपनिंग एट ई एफ. ठीक है ना, तो आपके पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई फ्रॉम मोमेंट एट पॉइंट, एनी पॉइंट इधर से या और फ्रॉम सिमेट्री. सिमेट्री भी यही कहती है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ई एफ. ठीक है ना, और अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो आई कैन से एफ ए बी माइनस एफ ई एफ इज इक्वल टू जीरो. ये एक इक्वेशन नंबर थ्री हो गई आपके पास, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई आपके पास, और इक्वेशन नंबर वन तो ये आपने बना ली, ये भी इन टर्म्स ऑफ एफ ए बी और एफ सी डी. ठीक है, तो होगा ये कि आप इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें सी डी ई एफ, जब जस्ट टू, ये मैं इससे आपकी जान छुड़ाना चाहता हूँ कि अब आप पुटिंग फ्रॉम वन टू अदर, इस तरह के काम जो करते हैं ना, तीन इक्वेशन तीन अननोन, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना. यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर, तीन इक्वेशन है ना, कुछ जीरो भी आएंगे, कुछ नंबर आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जीरो जीरो और यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ये आप इस तरह रीअरेंज कर लीजिएगा. अब इसको आप या तो अपने कैसियो 991 से थ्री थ्री इंटू थ्री इक्वेशन सॉल्वर एक मिनट में आंसर निकाल देगा, या एक्सेल
एक्सेल में चले जाएं, एक्सेल में जाएं और ये मैं एम इनवर्स कमांड के साथ इसका इनवर्स ले लें, उस जो इनवर्स आ जाएगा उसको एम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एम मल्ट से इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द थ्री वैल्यूज इन वन सेकेंड, ठीक है ना। सो डोंट रिलाई ऑन हैंड कैलकुलेशन, आई मीन किया जा सकता है, आप समझ रहे हैं ना, कि आप पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम वन टू द अदर टू देन टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द अदर टू द थर्ड वन और फिर वो सारे तीनों कैलकुलेट हो जाएंगी, वो मसला नहीं है, वो आपको मेरे ख्याल है मैट्रिक्स से पता है, बट द थिंग इज कि थोड़ा सा इसको ऑटोमेट करें, कैलकुलेटर का आपने वो वाला फंक्शन यूज़ किया करें जल्दी, एक तो मिस्टेक नहीं होती, दूसरा ये वो जहाद करने की जगह नहीं है जहाँ पे बंदा इतना यानी इंसान अपना दिमाग खर्च करे, बिल्कुल करे, मेहनत करे, वो अच्छी जगहों पे करे ना जहाँ समझना है चीज़ों को। जब एक क्वेश्चन तीन आ गया उनको सॉल्व करने के लिए अगर आपको 10 मिनट लगते हैं और उसमें गलती का भी चांस है तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो ये मैं आपको आई एडवाइज यू टू प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर वन, कंप्लीट दिस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तीनों इक्वेशंस मैंने आपको बना दी हैं, अब इन तीनों इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जस्ट ये भी एक फ्लेवर लें, उसके बाद आपने उसको या कैलकुलेटर से या एक्सेल से सॉल्व करना, ठीक है। इसको इंशाल्लाह मैं कोई छोटा मोटा असाइनमेंट भी किसी को बना के दूंगा आपको, ठीक है, जस्ट ये भी एक फ्लेवर लें, ठीक है। चले मेरी तरफ से ये खत्म है, इसमें जो ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ये इट्स अप टू यू, आप जिस पुराने स्टाइल से करना चाहते हैं उससे कर लें, वो इशू नहीं है, वो ये तो एक मशवरा है। असल पॉइंट क्या है, असल पॉइंट ये है कि कंपेटेबिलिटी में कहाँ पॉइंट सेवन ऐड होना है, कहाँ नहीं होना, गैप नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो एक थर्मल है तो एक दूसरा साथ फोर्स क्यों आ रहा है, अभी फोर्स तो कोई नजर नहीं आ रही, फोर्स नजर नहीं आ रही बट इट इज़ देयर, वेन एवर देर इज अ डिसप्रोपोर्शनल, यानी एक का ना एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी उसी तरह बढ़ रही है, कोई आपस में तंग नहीं कर रहे एक दूसरे को, ठीक है, एक चीज़ ज़्यादा बढ़ना चाह रही है एक कम बढ़ना चाह रही है, वही वाली बात, आपने टांगे बांध दी हैं दो बंदे, एक फास्ट एक स्लो है, तो अब दोनों स्ट्रेन पैदा हो रहा है, एक को खींच रहा है एक को स्लो कर रहा है, ठीक है, फास्ट वाला समझ रहा है मुझे ड्रैग डाउन किया जा रहा है, स्लो वाला समझ रहा है मुझे क्रश किया जा रहा है, तो जब ये मामलात होंगे तो वो फोर्स नज़र तो नहीं आ रही बट वो दैट इज़ वेरी मच देयर, तो इसलिए वो डेल्टा टी वाला एक आएगा एलिमेंट और एक एलिमेंट आएगा फोर्स। अच्छा अब एक में ऐड हो रहा है एक में माइनस क्यों हो रहा है, तो वो आप नट वाला भी याद कर लें प्रॉब्लम, मैं फिर रिवाइज करा दूँ आपको, नट वाला प्रॉब्लम याद करें, मुझे हमने जस्ट ड्रॉ दिस अगेन, दिस वॉज अ बोल्ट हेड, देयर वॉज दिस स्लीव एल्यूमिनियम स्लीव एंड देन देयर वॉज दिस नट, ठीक है। अब आपने इसमें भी आपने ये नहीं था कि कोई नट को घुमाया था या कुछ किया था, अरे नट को घुमाना और चीज़ है, वो घुमाएंगे तो वो तो फिर दोनों में एक में टेंशन एक में कंप्रेशन आएगा, उसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं, वो तो ठीक है सादा काम है। अब डेल्टा टी चेंज कर दिया, अब वो कह रहा है एल्युमिनियम विल टेंड टू इंक्रीज इन लेंथ मोर, बोल्ट भी करेगा इंक्रीज इन लेंथ बट वो कम करेगा, वही वाला सवाल जो अभी हमने देखा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम सवाल है। अब होगा क्या, एक तो एल्युमिनियम में अल्फा डेल्टा टी एल चेंज इन लेंथ, स्टील में अल्फा डेल्टा टी एल चेंज इन लेंथ, ये दोनों में आएगा, लेकिन इसको जरा काट के देखें, वही वाली बात कि जब आप काटेंगे सिस्टम को चूके एल्युमिनियम विल बी इन इफेक्ट इट विल बी इन कंप्रेशन, जो आज सवाल किया ऑलमोस्ट वही सवाल है, और स्टील टेंशन में होगा, क्यों, स्टील को इतना बढ़ने का शौक नहीं है जितना एल्युमिनियम का शौक है बढ़ने, लेकिन नट में इंश्योर कर रहा है कि एल्युमिनियम अकेला बढ़ नहीं सकता, वो स्टील को लेके पड़ेगा, स्टील कोशिश कर रहा है एल्युमिनियम को भी ड्रैग डाउन किया जाए, तो अल्टीमेटली स्टील में टेंशन आएगी एल्युमिनियम में कंप्रेशन आएगी। तो इसमें याद करें हमने इसमें जो एल जो स्टील जब यूज़ किया था उसमें एफ एल ओवर ए ई स्टील का यूज प्लस के साथ, जबकि ये जो एल्युमिनियम में था इसमें हमने माइनस एफ एल ओवर ए ई यूज़ किया, ये बिल्कुल आज हमने काम किया, और इसमें चूंकि गैप नहीं था तो दिस क्वान्टिटी वॉज इक्वल टू दिस क्वान्टिटी, आज चूंकि वो गैप है तो जाहिर है वो एक पॉइंट सेवन तक तो कुछ भी नहीं होता ना, पॉइंट सेवन के बाद वो इक्वल है, आप समझ लें कि पॉइंट सेवन तक इस सवाल में नट वाले सवाल में तो स्टार्ट से ही चेंज इन, ये टोटल चेंज इन लेंथ इन स्टील है, ये टोटल चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम है, तो बोथ आर इक्वल। इसकी जो ओवरऑल इक्वेजन है, ओवरऑल इक्वेजन जो हमने लिखी है इस सवाल की, वो ये थी। आज के क्वेश्चन में ये इक्वेशन नहीं है, उसकी वजह यह है कि एक खास टाइम के बाद तो ये इक्वेशन है, बट उससे पहले गैप कंप्लीट करना है, तो गैप पहले फिल होगा, तो स्टील की डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ
एल्युमिनियम की चेंज ऑफ लेंथ होगी इक्वल आफ्टर 0.7, यानी इन अदर वर्ड एल्युमिनियम एक्सपेंड मोर, स्टील एक्सपेंड लेस. स्टील में 0.7 डालेंगे तो एल्युमिनियम का बार उसकी आएगी, तो इतना सा फर्क है. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस चैप्टर एंड दिस इज द बेसिक चंक. अगले चैप्टर्स में ये होगा कि एक तो लोडिंग डिफरेंट होगी, लेकिन उसमें फायदा ये होगा कि ये सब चीज़ हमें पता है. स्टैटिकली इंडिटरमिनेट क्या होता है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये हमने सारी चीज़ें तो चूंकि बना ली हुई हैं. सो व्हाट वी विल डू इज इट विल बी ईजियर, नंबर वन. नंबर टू, आपके पास एक पैटर्न होगा, अच्छा ये चीज़ें होगा, अच्छा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम होते हैं स्टैटिक, तो इसलिए वो होपफुली जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट था वो ये था, जिस पर हमने थोड़ा टाइम भी लगाया इसे वैसे. ठीक है, नाउ आई take a small break, ठीक है, और break के बाद we'll start with your questions regarding this and then we'll start the new topic. ठीक हो गया जी, let me stop the recording for a while.